नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पवेलियन का हुआ उद्घाटन। विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर कार्यक्रमों के आयोजन और मतदाता सूची के विशेष सार संशोधन के लिए अभियान। अब दीप दर्पण विस्तार से। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन हुआ। यह मेला 27 नवंबर तक चलेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पाटिल ने इस मेले का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने व्यापार, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए इस तरह के आयोजन को बढ़ावा देने में सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भाग ले रहा है। पहले मंजिल में द्वीप समूह का पवेलियन लगा हुआ है। इसमें यहाँ की सांस्कृतिक विविधता, पर्यटन और आर्थिक अवसरों को प्रदर्शित किया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पवेलियन का उद्घाटन नई दिल्ली में विशेष आवासीय आयुक्त कुलदीप सिंह ठाकुर ने किया। इस पवेलियन में पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया गया है। द्वीप समूह का पवेलियन आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आने वाले लोगों को द्वीप समूह की खूबसूरत तटों, विविध समुद्र जीव और पर्यटन, मत्स्य तथा नवकरणीय ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा कई निवेशकों और आगंतुकों को द्वीप समूह आने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। पर्यटन से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा भी हुई, कई साझेदार भी बने हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल शाम दक्षिण अंडमान जिले के विटनाबाद पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पंचायत भवन परिसर में संकल्प यात्रा वाहन को भी प्रदर्शित किया गया। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। पंचायत भवन हॉल में उपायुक्त और अन्य अधिकारी एवं उपस्थित लोगों ने प्रतिज्ञा भी ली। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत की गई। उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने लाभार्थियों में विभागीय सेवा लाभ का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के उद्देश्य की जानकारी दी। यात्रा गवर्नेंस में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत विभिन्न तरीके की स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्कीम हो या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का हो या फिर कोई और डिपार्टमेंट का हो, तो या आरडी डेवलपर डिपार्टमेंट का हो, तो ये सारे जो स्कीम्स है इसके बारे में आपको पहले तो पता होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा स्वामित्व का प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध हुआ। विटनाबाद ग्राम पंचायत प्रमुख आर परमशिवम ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। मेरा जो आज का कार्यक्रम जो है संकल्प यात्रा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सारा डिपार्टमेंट आया, डीसी मैडम भी आई और पब्लिक को तो सबको अवेयरनेस हुआ है। अब ये प्रोग्राम की वजह से हमारे पब्लिक को सारा स्कीम के बारे में जानकारी हुआ और हमारे सारे पब्लिक को इसके स्कीम के बारे में सब अभी मालूम हुआ। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित स्टॉलों और सेवा केंद्रों का मुआयना किया और जानकारी हासिल की। Thank you.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज दक्षिण अंडमान के दो अलग अलग पंचायतों में पहुंची। आज सवेरे यह यात्रा सिप्पीघाट ग्राम पंचायत पहुंची, जहां विशेष कार्यक्रम रखा गया। सिप्पीघाट ग्राम पंचायत प्रधान ज्योति और क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य सारिका देवी ने इस कार्यक्रम के आयोजन पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जो कि आज हमारे अंडमान में सिप्पीघाट ग्रामीण पंचायत में मनाया जा रहा है ये प्रोग्राम, जिससे कि हमारे जो बेनिफिशरीज है डिपार्टमेंट वाइज, तो उनको जो भी बेनिफिट मिला हुआ है उनके द्वारा उन्हें बताया जाएगा कि क्या क्या जो योजनाएं जो चल रही है प्रधानमंत्री जी का। आज हमारे इस सिप्पीघाट पंचायत में हमारा संकल्प विकसित भारत का जो प्रोग्राम है हमारे सिप्पीघाट कम्युनिटी हॉल में किया जा रहा है, और हमारे गाँव वासियों जो ये इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो दूर दूर से आए हुए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद कहती हूँ। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सेवा विभागों के स्टॉल लगाए गए और सेवा केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों को उनका लाभ पहुँचाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पुनशिवा और सुविज्ञा इस दौरान उपस्थित थे। कार्यक्रम में लाभार्थियों में स्वामित्व का संपत्ति कार्ड सौंपा गया। लाभार्थियों ने भी अपनी बात रखी। मेरा पापा भी खेती काम करते थे, मैं भी खेती काम करता हूँ, लेकिन हमको एग्रीकल्चर की तरफ से डिग्री कार्ड के दिया, मैं उसमें मछली पालता हूँ। मैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभार्थी हूँ। इस योजना के आर्थिक सहायता से मैं अपनी बेटी का स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उपयोग करी। इसी प्रकार गुप्तापाड़ा पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम रखा गया। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। लाभार्थियों में सेवा का लाभ सौंपा गया और उन्होंने इस बारे में अपने विचार भी व्यक्त किए। मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके तहत मुझे बहुत सारा जानकारी मिली है। मुझे किसी ने बोला है कि जैसे किसे जुड़ना है, तो मैं आरटी द्वारा एनएलएम से जुड़ी हूँ, और मैं एनएलएम से जुड़ने के बाद मुझे गुप्तापाड़ा पंचायत के प्रधान दुर्लभ दास ने अपने पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। यहाँ हर डिपार्टमेंट का जो स्कीम से उसको डिस्प्ले करके लोगों को, हमारा गांव वासियों को सूचित करना चाहा और जागरूक करना चाहा कि एक एक स्कीम क्या वैल्यू है और उनके लाइफ में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतदाता सूची का विशेष सार संशोधन का कार्य चल रहा है। इस सिलसिले में बीते 17 अक्टूबर को यह प्रक्रिया शुरू हुई, जो अगले साल 1 जनवरी तक जारी रहेगी। इसके तहत 25 और 26 नवंबर को तथा 2 और 3 दिसंबर को मतदाता सूची का विशेष सार संशोधन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। द्वीप समूह की निर्वाचन अधिकारी वेदिता रेड्डी ने आज उपायुक्त कार्यालय परिसर में विशेष अभियान वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्धारित तारीखों में द्वीप समूह के सभी मतदान केंद्रों में विशेष अभियान भी चलेगा। अभियान के शुभारंभ के बाद निर्वाचन अधिकारी वेदिता रेड्डी ने दूरदर्शन से बातचीत की। डिस्ट्रिक्ट साउथ अंडमान में आज हमने स्वीप एक्टिविटीज के तहत एक यात्रा का बिगिन किया है, जो स्पेशल कैंपेन इंश्योर करेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि समरी रिवीजन, स्पेशल समरी रिवीजन 2024 का हमने 17th ऑफ अक्टूबर में बिगिन किया था। जो ये प्रोसेस है ये पूरा 1 जनवरी तक चलेगा, 2024 तक। 17th ऑफ अक्टूबर को हमने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया था। उसके बाद अब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का स्टेज है, जहाँ पर लोग अपना क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। उस टाइम पीरियड तक हम ये एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। जो दो वीकेंड्स हम टारगेट कर रहे हैं वो है 25th एंड 26th ऑफ दिसंबर,
एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑफ दिसंबर. तो यहाँ पर जो है एकदम टारगेटेड तरीके से सारे वार्ड्स एंड सारे पंचायत जो हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में हैं वहाँ पर ये गाड़ी जाएगी, इन्फॉर्मेशन देंगे और वहीं के वहीं हम एप्लीकेशंस भी लेंगे जो इलेक्टर्स हैं जो बन सकते हैं और जो मिस्ड आउट हो चुके हैं. तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्री रिविजन एक्टिविटीज़ लिए हैं, जैसे हाउस टू हाउस सर्वे हमने किया है, हर एक घर पे हमारे बेलोज गए हैं और चेक किया है कि कौन से वोटर्स ऐसे हैं जो एलिजिबल होने वाले हैं 1/1/2024 तक. तो ये एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि स्वीप है, स्वीप का मतलब ही यही है कि सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. ये इसीलिए लिया जाता है ताकि नो वोटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड. तो हमारी पूरी यही इच्छा है साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, सीईओ ऑफिस से, डीईओ ऑफिस से, कि हर वोटर अपने आप आगे आए और अपने आप को ये इलेक्टोरल रोल में ले आए. जो पूरी रिविजन की प्रोसेस है हमारी टीम अच्छी तरीके से कर रही है और हम आगे उम्मीद भी करते हैं कि सबके साथ वोटर्स की पार्टिसिपेशन के साथ हम गवर्नेंस को भी ठीक कर सके. तो यही उम्मीद है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो अच्छी तरीके से सफल रहे. ये तो सिर्फ प्रोग्राम्स ऐसे हैं ताकि अवेयरनेस हम बढ़ा सकें, लेकिन वो तभी पूरी तरीके से फुलफिल हो पाएंगे अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन हम इंश्योर कर सकें. पोर्ट ब्लेयर की राज्य पुस्तकालय में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक समारोह का कल समापन हो गया. समापन अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और विद्यार्थी उपस्थित थे. समारोह के दौरान पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई. पुस्तक सप्ताह के सिलसिले में बच्चों के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों में पुरस्कारों का वितरण किया गया. विद्यार्थी जीवन में और आम जनता में पुस्तकालय के महत्व के बारे में बच्चों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए. यह ई पुस्तकालय किसी भी विशिष्ट विषय या फिर किसी भी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए बनाई गई. अब हर एक गांव में ये पुस्तकालय होना चाहिए, हर बच्चे पढ़े को इसका हिस्सा होना चाहिए. बाहर का तो बहुत विकास कर दिया. Firstly, my friends, I want to clarify the term library. The term library has been derived from a Latin word called library, which basically means a bookstore. It contains various genres, topics, and contents which can be accessed by anyone, anywhere, and at any time. दक्षिण अंडमान पुलिस ने हाल ही में चोरी के एक मामले को सुलझाने का दावा किया है. एक शिक्षिका के घर में चोरी होने के मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने चोर को पकड़ा. इस बारे में दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक कलईवानन आर ने कल प्रेस वार्ता बुलाकर मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी दी. एक चोरी केस में जो है हमें अक्यूज को पकड़े और मतलब उनसे कंप्लीट रिकवरी हुआ है. तो पहले मैं केस के बारे में बता देता हूँ. इसमें कंप्लेनेंट जो है प्लेसिडा मिंज मैडम है, इन टीचर का काम करते और इनका घर में रिसेंटली इन्होंने शिफ्ट किए थे, एक नया घर प्रेम घर में, प्रेम नगर में. और कुछ दिन पहले जो इनको पता चला कि वहाँ चोरी हुआ करके, तो लगभग जो जितना अमाउंट चोरी हुआ था वो सारा कंप्लीट रिकवरी हो गया. मैं पुलिस विभाग का सहृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये केस जैसे सर बता रहे थे कि टफेस्ट केस था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि किस दिन मेरे घर से चोरी हुई. कैंबल बे के कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल में वार्षिक दिवस मनाया गया. स्कूल में हुए इस समारोह में क्षेत्र के सहायक आयुक्त अभिषेक गुलिया, तटरक्षक प्रभारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और शिक्षा से जुड़े लोग तथा अभिभावक उपस्थित थे. मुख्य अतिथि ने दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया. आरंभ में स्कूल के प्रभारी ने अपने विचार भी रखे. They can pursue their studies from the academic session forthcoming from the standard 9 onwards. वार्षिक दिवस बैडमिंटन एसोसिएशन अंडमान निकोबार ने कैंबल बे में पहली बार बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया. 14 से 16 नवंबर तक क्षेत्र के अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के बहुउद्देशीय सभागार में हुई इस प्रतियोगिता में दो अलग अलग श्रेणियों में 25 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. प्रतिभागिता का फाइनल
16 नवंबर को खेला गया। इसमें रोनित कुमार ने सुरंजन मलिक को 21-14 और 21-16 से पराजित किया, जबकि डबल्स के फाइनल में उदय और सुरंजन की टीम ने सातुलिंगम और संजीवन की टीम को सीधे सेटों में 21-18 और 21-18 से हराया। और यहाँ पे नेट होता हुआ 18 गेम और यहाँ पे अप होता हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे सुरंजन और उदय की जोड़ी दूसरा सेट भी अपने नाम करते हुए। समापन अवसर पर कैंबल बे के सहायक आयुक्त अभिषेक गुलिया मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा वहां के प्रमुख ईएस राजेश, अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के कार्यकारी अभियंता राजकुमार, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के कार्यक्रम निष्पादक पीएस सैगल भी इस कार्यक्रम पर उपस्थित थे। अतिथियों ने विजेताओं और खिलाड़ियों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों का वितरण किया। सहायक आयुक्त अभिषेक गुलिया ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कैंबल बे में बैडमिंटन प्रतिभागिता के आयोजन को सराहा। बीइंग अ चीफ गेस्ट हियर, जैसे कि साजिद जी ने बताया कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है फिट इंडिया हिट इंडिया, तो जो खेल है हमारे फिटनेस लेवल को के साथ साथ हमारे जो मेंटल लेवल है, हमारे मेंटल फिटनेस है, उसमें भी अच्छा साथ निभाता है, जिससे कि अगर हम फिजिकली फिट होंगे तभी हम मेंटली फिट रह सकते हैं। अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमबी हडवे स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजदीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराजदीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजदीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पवेलियन का हुआ उद्घाटन। विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर कार्यक्रमों के आयोजन और मतदाता सूची के विशेष सार संशोधन के लिए अभियान। इसी के साथ ही आज का यह दीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।